हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिट्रीब्यूट टेक इन्फो। तो आज के वीडियो में हम जो अपने लास्ट वीडियो उसको पूरा करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें जो स्विच है कैसे फिट कर सकते हैं अगर आपका मैग्नेटिक स्विच ख़राब हो गया है या डैमेज हो गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में आने वीडियोज़ को देखने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है येल्लो वायर और ये ग्रीन वायर पर जो है मैंने एक स्विच लगा लिया है। आप इन दोनों वायर को शॉर्ट कराएंगे तो ये जो ईयरफोन है ये ऑन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे देख के ऑन हो गए, दोनों वायर को शॉर्ट कराने से ऑन होता है। तो मैंने इसमें स्विच लगा दिया और ये ऑफ भी हो जाएगा जब मैं इसको ऑफ हो गया ये। तो अब ये स्विच जो है हमें फिट करना है दोस्तों। तो अब ये कैसे फिट करना है देखते हैं हम। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये जो स्विच है अगर ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं, पूछते भी है ये स्विच कहाँ से मिलेगा। तो इस 200 ईयरफोन का स्पेयर पार्ट नहीं मिलता मार्केट में, बैटरी वगैरह अल्टरनेटिव मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं इसका जुगाड़ कैसे करना है। तो मुझे दोस्तों एक इस पे टॉप पर ही इसको लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है स्विच, क्योंकि अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये कान पे आपके चुभेगा ये स्विच। तो हम यहाँ टॉप पे लगाएंगे और यहाँ पर होल भी है, तो यहाँ से हम इस वायर को बाहर निकाल भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच को हटाते हैं, इस पे चिपकाते हैं, वायरिंग करते हैं। हमें इसके ये भी जो है हॉट ग्लू से ये वायर कवर करने पड़ेगा सारे, नहीं तो यहाँ शॉर्ट होंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।